चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान अब रेस्ट मोड में आ गया है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे रेस्ट मोड में सेट कर दिया है। अभी तक इसने तमाम सूचनाएं भेज दी हैं और मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा है। अब इसरो को 22 सितंबर का इंतजार है। दरअसल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर लैंड किया था। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने तमाम सूचनाएं वीडियो और फोटो भेजने शुरू किए थे। लगातार आ रही सूचनाओं से इसरो के वैज्ञानिक उत्साहित थे। चंद्रयान 3 में लगे लैंडर और रोवर ने ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन जैसे तमाम तत्व खोज लिए। अब शनिवार को इसरो ने ट्विटर के माध्यम से सूचना दी कि रोवर को स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। दरअसल चंद्रयान के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों में सोलर पैनल लगे हैं। इसी सोलर एनर्जी से ये काम करते हैं। जब तक धरती पर लगभग 14-15 दिन बीतते हैं, तब तक चांद पर एक दिन होता है और लगभग इतने ही दिन बाद फिर धरती पर जब बीत जाते हैं तो चांद पर एक रात होती है। ऐसे में जब चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी तब चांद की सतह पर सूरज उग रहा था, यानी दिन हो रहा था। सूरज की रोशनी से चंद्रयान 3 ने काम करना शुरू किया था। ये पहले से ही पता था कि जब चांद पर रात होगी तब लैंडर और रोवर निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि बिना सूरज की रोशनी के इनका काम करना संभव नहीं है। अब इंतजार उस दिन का है जब चांद पर दोबारा सवेरा होगा। तारीख के हिसाब से लोग अनुमान लगा रहे थे कि 19 सितंबर को फिर से चांद पर दिन शुरू होगा, लेकिन इसरो ने साफ कर दिया कि 22 सितंबर को दोबारा दिन होने पर रोवर को एक्टिव करने की कोशिश की जाएगी। इस मिशन के शुरू होने पर ही इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने साफ किया था कि लैंडर और रोवर का लाइफ टाइम 14 दिन के आसपास है। इसके बाद जब रात होगी तो चांद पर तापमान बेहद ठंडा हो जाएगा। ऐसे में दोबारा सवेरा होने पर लैंडर और रोवर काम करने की हालत में होंगे या नहीं, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद जरूर है। अब 2 सितंबर को इसरो ने अपने ट्वीट में साफ कर दिया कि रोवर ने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है और अभी भी यह पूरी तरह से चार्ज है। अब 22 सितंबर को चांद पर फिर से सवेरा होने की उम्मीद है और तब इसे फिर से एक्टिव करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि चंद्रयान 3 का मिशन पूरी तरह सफल रहा है, लेकिन अगर 22 सितंबर के बाद फिर से रोवर काम करना शुरू कर देता है तो यह एक तरह का बोनस होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रोवर चांद की सतह पर तमाम मेटल खोज चुका है, जिसमें ऑक्सीजन जैसी महत्वपूर्ण गैस भी शामिल है। वैज्ञानिकों को अब सबसे ज़्यादा तलाश हाइड्रोजन की है। माना जा रहा है कि 22 सितंबर के बाद रोवर अगर फिर से सफलतापूर्वक एक्टिव हो गया और उसने अगर हाइड्रोजन की खोज कर ली तो यह इस मिशन की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती है। यहाँ यह भी बात गौर करने लायक है कि चीन का रोवर 4 साल पहले चांद की सतह पर लैंड हुआ था और ये अभी तक काम कर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें न्यूज नेशन के साथ।